जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है, दूर हटो ऐ दुश्मन मिल्लत पाकिस्तान हमारा। हम है अहले सुन्नत, हमने पाकिस्तान बनाया था। हम है अहले सुन्नत, हमने पाकिस्तान बनाया था। हमने ही अंग्रेज यहां से हिंदुस्तान बनाया था। हम ही हैं वो जिनने शब्द हलाली परचम थामा था, दूर हटो ऐ दुश्मन मिल्लत पाकिस्तान हमारा। फजले हक का नारा हक है अब तक याद जमाने को, हमारी इब्तदा हमारी आजादी की तहरीर होती है 47 से नहीं होती है। ये 1857 से इसका आगाज हो जाता है, जब हमारे उलमा को फांसी के फंदों पे चढ़ाया गया, हमारे उलमा को फांसियां दी गई। दिल्ली के चांदनी चौक में एक नहीं दो नहीं सैकड़ों उलमा अहले सुन्नत को फांसी पे चढ़ा दिया गया, शहादत सरफराज हो गए, लेकिन आजादी की तहरीक से पीछे नहीं है। और उसमें उसकी बैठ में किसका फतवा था? इसे बदला फैला नाम दिया जाता, आपने फतवा दिया था अंग्रेज के खिलाफ जाना फर्ज है, अंग्रेज के खिलाफ करना है, सुन्नत आवाज के धर्म हो चुका है। अगले हफ्ता नारे है अज्ञात जमाने को, जिसका एक फतवा था काफी फर्क के दरबाने। अहले सुन्नत कालो मुजाहद इसके बादल हारा है, दूर हटो है दुश्मन मिल्लत पाकिस्तान हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तहरीक, पाकिस्तान की तहरीक का कोई भी शोभा हो, कोई पहलू हो, उसमें अवाम है जो सुन्नत, मशायख है जो सुन्नत, उलमाए है जो सुन्नत, वकलाए है जो सुन्नत, नौजवान है जो सुन्नत, जिंदगी के हर शोबे से अहले सुन्नत ने भरपूर करदार अदा किया। ये पाकिस्तान का झंडा जो हमारी अज़मत का निशान है, जो हमारी इज्जत का निशान है, जिसकी हमें तालीम और इज्जत करनी चाहिए, झंडा किसी कौम किसी लश्कर किसी फौज किसी कौम का एक मजार होता है। हमें अपने झंडे की इज्जत करनी चाहिए। ये झंडे का नक्शा तैयार करने वाला कौन है? सैयद अमीरुद्दीन कदवाई रहमतुल्लाह अलैह। ये कौन है? ये वकील है, अहले सुन्नत का जवान है, वकील सुप्रीम कोर्ट का एक लायर है, जमीयत उलमाए पाकिस्तान का नायब सदर है। ये जेयूपी मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा, 73 में इनकी डेथ हुई, लेकिन इसने भरपूर अपनी जिंदगी गुजारी तहरीक के हवाले से। 1946 में इसने नक्शा तैयार किया पाकिस्तान के झंडे का, काजी आजम रहमा के सामने पेश कर दिया। हजूर ये झंडा जो हमें पाकिस्तान अल्लाह अता फरमाएगा, इस पाकिस्तान के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि जब 1940 में ये रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पास हो गई, ये यकीन हो गया अब पाकिस्तान बन के रहेगा, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। ये नारा गली गली नगर नगर हर शहर हर हर जगह में लगा। अमीरुद्दीन सैयद अमीरुद्दीन कदवाई अलैहि रहमा ने ये पाकिस्तान का झंडा इसका नक्शा तैयार किया, काज के सामने पेश किया, आपने कबूल फरमा लिया और तब से लेके अब तक एक झंडा हमारे लिए काबिल इज्जत है। मैं ये अर्ज कर रहा था पाकिस्तान की तहरीक में सिर्फ और सिर्फ करदार अहले सुन्नत का है, जितने खाने रसूल है, जितनी फरहाल है, कोई भी मतलब मदद उनका कोई करदार हमें नजर नहीं आता। नजर भी जैसे आए कि ये काम ही है मुसलमानों का, ये काम ही अहले सुन्नत का है। देखिए जरा दो जमातों का नाम जरा इनकी तह तक पूछिए, उस वक्त जमीन अहरार जमीन और अंसार, उस वक्त की जमीन और माही, ये तमाम के तमाम पाकिस्तान के खिलाफ थे, इनका वोट पाकिस्तान के खिलाफ था। ये तमाम मुसलमानों की नाम नहा जमाते हैं, सुन्नी कॉन्फ्रेंस जिसकी बुनियाद 1925 में रखी गई, 16 मार्च 1925 में मुरादाबाद के उस प्रोग्राम में रखी गई, जिसमें अमीर मिल्लत हजरत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला ने, हजरत सैयद मेमोद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला ने, और न जाने कितने हमारे लीडरान इस्लाम, कितने उलमाए कराम शामिल थे,
जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी, इसकी गोल इसकी मंजिल की रखी कि हमें अलहदा वतन चाहिए। लोग कहती है दो कौमी नजरिया, ये 1930 में पेश किया गया, मैं कहता हूँ दो कौमी नजरिया 1925 को लगाया गया, सूरत ने पेश किया, इसी कबल आला हजरत ने पेश किया, मौलाना शौकत अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, आजमा लाल फिक्र दूबे आला रहमत की बारगाह में आपने फरमाया मौलाना आपकी सियासत और मेरी सियासत में फर्क है, आप हिंदू मुस्लिम इतिहाद के दाई हैं, मैं सिर्फ मुसलमान की बात करता हूँ। तो ये दो कौमी नजरे की बुनियाद आला हजरत है, और फिर 1925 में सुन्नी कॉन्फ्रेंस की जब बुनियाद डाली गई उस वक्त इसको तशहीर दी गई, और हर गली में हर मकाम में और हर जगह पे सुन्नी कॉन्फ्रेंस का नाम लिया गया, शहर शहर जलसे किए गए, वजीराबाद गुजरावाड़ा गुजरात, पीर सैयद वलायत अली शाह रहमतुल्लाह कार्यालय, पीर सैयद महमूद शाह रहमतुल्लाह कार्यालय ने भरपूर करदार अदा किया इस सुन्नी कॉन्फ्रेंस के मामले में। गुजरात की सरजमीन में रावलपिंडी में लाहौर तो था ही बरकस, और ये हर जगह पे, और फिर ये जब बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस 3 दिन लगातार बनारस शहर में मुनक्कद हुई, जिसमें लाखों अवाम अहले सुन्नत 5,000 उलमा मशाइख अस्टेज की जीनत से बनारस के आलम में ताई धारे अलीगढ़ शहीदा की जमात अली शाह सदाबहार उस दुनिया ने देख लिया कि अफगानिस्तान की राह में कोई रुकावट जो है वो हाजिर हो सके, और जब ये बन गया की एक मंजिल थी सुन्नियों की मंजिल पाकिस्तान बनाना, जब पाकिस्तान बन गया फिर सुन्नी कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर जेयूपी जमीयत उलमाए पाकिस्तान रख दिया, ये जेयूपी इसका साधारण नाम किया है सुन्नी कॉन्फ्रेंस, ये 1925 में इसकी बुनियाद रखी गई, और 47 में जब पाकिस्तान बन गया मंजिल मिल गई, अब उसका नाम बदल के ऐसा नाम रखा गया जिसमें पाकिस्तान का लफ्ज भी आता और हुक भी दाख भी है, और इसका नाम रखा गया जमीयत उलमाए पाकिस्तान। मौलाना अबुल हसन पीर सैयद कमर पीर सियाल रहमतुल्लाह ताला ने, और किला साहिब नूरानी रहमतुल्लाह ताला ने, दीगर हमारे अकादरीन इस दिमाग को लेके चलते रहे। एक तो ये बैठ दूसरा बैठ हमारे इंसान जमात की जमीयत उलमाए हिंद, ये जमीयत उलमाए पाकिस्तान की मैंने बात बता दी ये कैसी तस्कीर हुई, इसके बारे एक जमात की जमीयत उलमाए हिंद वो अब भी है, वो अब भी है जिसका एक नकारा बाजू जमीयत उलमाए इस्लाम के पाकिस्तान में मौजूद है, जिसको मौलवी फजल रहमान चला रहा है, जिसको मौलवी डीजल चला रहा है, मौलवी फजल रहमान ये पाकिस्तान के बनाने के मुखालिफीन की जमात है, जमीयत उलमाए हिंद ये पाकिस्तान की मुखालिफ है, महमूद फजल रहमान का बाप 78 में 2 रुपए की कोठी में उसने ऐलान किया कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान के बनाने के गुलामी शरीक नहीं थे। ये किसके अल्फाज है? ये मुफ्ती महमूद के अल्फाज है, फजल रहमान की अब्बे के अल्फाज है, फजल रहमान की वालिद के अल्फाज है, ये लोग पाकिस्तान के मुखालिफ जमीयत उलमाए इस्लाम, अच्छा जमीयत उलमाए हिंद ये पाकिस्तान के खिलाफ, अब उधर तो अभी भी है जमीयत उलमाए हिंद अभी भी इंडिया में मौजूद है, और उसका एक बाबू पाकिस्तान में है, इसका नाम क्या है जमीयत उलमाए इस्लाम, ये दोनों जमातें एक ही जमात की दो शादी हैं, तो भाई अगर उलमाए हिंद वहां पे नाम है तो यहाँ पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, इसलिए कि इनको नफे पाकिस्तान कबूल ही थी, और जिनको कबूल है वो कौन है ये यूपी वाले, अल्लाह ताला हमारे अकाबरीन जो ईमेन ने फरमाई हमें पाकिस्तान अता फरमाया, अल्लाह हमें इसकी हिफाजत की तौफीक दे।